उसके भाई की टेबल पे भाजी थी, उधर भाजी थी, छोड़ूंगा तो वो भी नहीं। आज तो छोटे भाई के हिस्से की मक्खियां भी मेरे को मारनी पड़ रही है। पता नहीं सुबह से कहां चला गया, मेरे को लगता है कि ये मेरी शादी के चक्कर में किधर ढूंढ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बड़े भाई। छोटे भाई ती बड़े भाई, ये फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे ही धंधे में नुकसान पे नुकसान हो रहा है ले तू। हे बड़े भाई, आदमी की रोज रोज बर्थडे थोड़ी आती है, और ये बर्थडे तो मेरे बड़े भाई की है। इसकी शादी के बाद मेरी शादी होगी। सुधर जा, कभी सुधर जा। अरे वाह बड़े भाई, आप नुकसान करते हो तो कोई बात नहीं, मैंने आपके खजाने में से एक छोटा सा तोहफा लिया तो आपके खजाने में कमी आ गई। छोटे भाई जी, बड़े भाई ये बिजनेस की बातें हैं, इस नफे नुकसान को तुम नहीं समझोगे। बड़े भाई जी, छोटे भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, अगर आप कहो तो मैं दो दूध पत्ती चाय मंगा लूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, फिर नुकसान की बातें। ये तो वैसे ही पहले नुकसान तो करके आया है। चाय घर चढ़ के अम्मी के हाथ से पियेंगे। हाँ, पानी पत्ती चाय, खामखा 4 रुपए का नुकसान हो जाएगा फिर। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आओ असलम, कुछ ऑर्डर मिले? सर ऑर्डर्स कैसे नहीं मिलेंगे, इन्हीं ऑर्डर्स के लिए तो मैं सारा दिन फिरता रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा जल्दी बता, जल्दी बता, कितने ऑर्डर मिले हैं? सर 10 ऑर्डर मिले हैं। 10? अच्छा असलम भाई, असलम भाई आप इसको इधर ही रहने दो, ये इसके लिए जगह बेहतर है। आप बैठो, आप बैठो, इधर बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। देखा बड़े भाई? छोटे भाई, फकीर बाबा की बताई हुई बात कितनी सच साबित हुई। बड़े भाई अब आप शादी कब करेंगे? क्या मेरी भी शादी? चुप, शादी कब करेंगे, धंधे की बात करते शादी शादी करता है। वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। अरे इतने आदर तो हमको सारी जिंदगी में नहीं मिल सकते थे। बड़े भाई जी, छोटे भाई अब ये मक्खियां मारने का हथियार फेंक दो। फेंक दिया, अब तो शेर मैदान में आ गया है। छोटे भाई जी, बड़े भाई अभी थोड़ी देर पहले तुम कुछ दूध पत्ती चाय का जिक्र कर रहे थे। हाँ, माँ के साथ जाके पियेंगे। नहीं, तुम फटाफट जाओ और 3 दूध पत्ती जबरदस्त बना के लिए। 3 दूध पत्ती चाय? हाँ। नहीं नहीं रहने दो, ये खुद निकल जाएगा। हाँ। ये आदत है, इसकी आदत है। 3 दूध पत्ती चाय, 3 दूध पत्ती चाय। बड़े भाई नहीं, शादी नहीं करनी हो? अच्छा मैं जल्दी से चाय ले आऊं, कहीं चाय का भी इरादा कैंसिल ना हो जाए। कमाल का आदमी है यार। अरे इसको तो बंद कर, तुमको हो क्या गया है? इस उम्र में भी रेडियो सुन रही हो? कभी तो बगैर गुस्से के घर आया करो, दिन लड़ाई रात लड़ाई। अरे इस हमल फकीर की काशी की तरह चारों किताबों में गुस्सा हराम है। अरे हाँ हाँ पता है, आई है मुझे पच्ची बढ़ाने। भला बेटे का खत पढ़ाने गए थे ना, पढ़ा के आए या ऐसे ही वापस आ गए हो? अरे तभी कहते कि पढ़ ले, कुछ पढ़ ले काम आएगा, मगर तुमने मेरी सुनी कब? अब देखो पछता रहे हो ना। अरे कैसे पढ़ता, बाबा मरहूम ने तेरी शादी मुझसे करा के मुझे जकड़ जो लिया, खुद तो जाकर सीधे कब्र में लेट गए पर मुझे फंसा गए। अच्छा अच्छा आप गुस्से को छोड़ो, ये बताओ कि बेटे ने लिखा क्या?
कुत्ते की तुम 12 महीने नर में डाल दी गई थी, जब निकाली वो ही टेरी की टेरी। अरे मैंने सोचा था कि कराची जाकर सुधर जाएगा, मगर उसका वही काला मुंह है। क्यों परदेसी बेटे को कम ज्यादा बोल रहे हो, वो भी तेरा परदेस में सुनेगा तो क्या सोचेगा। अच्छा अच्छा, अभी बंद कर अपना मुंह, जैसी माँ वैसा ही बेटा, दोनों एक दूसरे से आगे। बस तुम तो हमेशा मौके की तलाश में रहते हो, ये तो बताया नहीं कि बेटे ने लिखा क्या है। तेरे बेटे ने अपने मुंह में धूल डाली है, लिखा है कि माँ को मुबारक देना, डोली में बिठा कर ला रहा है अपनी दुल्हन, देखना कैसे नोती है तेरे ये बाल। बेटे लखपति से सर बनाया होगा उसने, कहीं तो लिखा है उसने, तो काम आगा क्यों लिखता बेचारा। अरे तेरा दिमाग चल गया है, क्यों अच्छे भले बेटे को हाथों से गवा रही हो। अच्छा अच्छा छोड़ गुस्से को, ये बता मेरे लिए क्या लिखा है। मुझे तेरे पांव पर हाथ रखने को लिखा है। जाओ, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा है। तुम तो बड़ी खुश हो ना कि मैं तेरे पांव पर हाथ रखूंगा। इधर ला अपना पांव, ऐसी ठोंकी मारूं के। बस बस, बहुत हो सका और बहुत सुन लिया। ला मेरे बेटे का खत, मैं खुद ही संभाल के रखती हूँ। बड़ा है खत सुनाने वाला। सत्य मोहम्मद, तुम तो आते ही नहीं हो हमारे घर। अभी क्या करूं, कामों से वक्त मिले तो कहीं जाऊं, सारा दिन तो पलक झपक से गुजर जाता है बहन। गुजारा भी तो करना है ना। और सुनाओ हाल अवर। अरा हाल हवाल खैर है। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने सकीना बेटी और असलम बेटी के रिश्ते की बात की थी, अब पता नहीं तुम लोग क्यों ठंडे हो गए हो। हाँ, असलम ने बोला कि अपने पांव पे खड़ा हो जाऊं फिर शादी करूंगा, और दूसरी बात ये कि रजिया भी अभी बहुत छोटी है, कुछ इंतजार करना होगा। तो ये बात है। अदा असल में मैं भी ऊंट के पांव में घुंघरू बांधना नहीं चाहता था, मगर तुम लोगों का इसरार देखा तो मैंने भी हाँ कर दी। अदा हम भी क्या करें, असलम ही हमारा सब कुछ है, उसकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। तो अदी फिर मैं और कितना इंतजार करूं। भाई देखो, मैं आपको आज खुले लफ्जों में बता देता हूं कि अगर सकीना के लिए कोई मुनासिब रिश्ता आ गया तो बाबा मैं वहां कर दूंगा, बात है सफा। नहीं अदा नहीं, हमें कुछ मोहलत दे। असलम कराची गया है, वो वहां कुछ करना चाहता है, कोई रोजगार या कारोबार, कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेगा। देखो मौला बच्चे, ये भी मेरी बेइज्जती है, क्योंकि रिश्ते की बात पूरे गांव में फैल गई है और अब तुम मुझे ठहरने को बोल रहे हो। वाह 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 भाई, देखो फिर मुझे मत बोलना, समझा। अब मैं चलता हूँ, चलो। अदा खाना तो खा के जाओ ना। बस अभी, मेहरबानी, फिर कभी सही आओ।
कौन है भाई? अरे यूसुफ तुम। अरे भाई यूसुफ, ये क्या हाल बनाया तुमने? कहां से आ रहे हो? ये पर तुम लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हो? मैं कोई पागल हूँ क्या? अरे पागल को कोई सीख होते है क्या? अभी जाओ नीचे किसी भी स्कूल के गेट के सामने खड़े हो जाओ, देखना छुट्टी के बाद बच्चे तुम्हारा कैसे जुलूस निकालते। पर यार यूसुफ, बताओ तो सही, ये तुम्हारी हालत बनाई किसने? असलम भाई मत पूछो, मंजिल तक तो पहुंच चुका था मगर थोड़ी सी गलती हो गई। हाँ, मेरा ख्याल है तुम आसमान तक पहुंच चुके थे मगर नीचे से किसी ने सीढ़ी निकाल ली होगी। यार यूसुफ, ये तो गलत बात है, इस तरह तो हम मोहल्ले में बदनाम हो जाएंगे। गुलजार भाई, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मगर मुझे तो तूने बताया नहीं, आखिर ये सब कुछ क्या है? ये तुम्हारी हालत बनाई किसने? आप लोग पहले ही मुझ पर नाराज हैं, क्या बताऊं आपको। असलम भाई, एक करोड़पति लड़की के पीछे थोड़ी सी मार पड़ी है।